नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जबलपुर से युवा कांग्रेस के द्वारा की गई जनाधिकार पदयात्रा में शामिल हुए युवा कार्यकर्ता विक्रम प्रताप सिंह का जिला युवा कांग्रेस ने गांधी चौराहे पर फूलमाला से स्वागत किया। जबलपुर से भोपाल तक 24 सितंबर से युवा कांग्रेस ने 15 दिन की जनाधिकार यात्रा का आयोजन किया था। इस पदयात्रा में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी और शशांक दुबे के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए थे। पदयात्रा में युवा बेरोजगारी और महिलाओं पर अत्याचार और लोकतंत्र की हत्या कर बनाई गई सरकार के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास का भी घेराव किया। पदाधिकार यात्रा का जो उद्देश्य था वो सीधा सीधा था कि युवा बेरोजगार हो रहा है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहा है एवं कोरोना जैसी महामारी जो कि प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व परेशान है उस पे लगातार यह तानाशाही सरकार जो लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई है उस सरकार शिवराज सिंह इस पे पूरे कार्यक्रमों में इन सभी चीज़ों में नाकाम साबित हुए हैं। इसीलिए हमारी जनपद अधिकार यात्रा जबलपुर से लेकर भोपाल तक लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर से हमने पदयात्रा की है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह जनपद अधिकार यात्रा जनता के हक की लड़ाई के लिए थी। ओके, तो कितने दिनों का समय आपका लगा इस पदयात्रा में? इस दरमियान हमारी 24 तारीख को यात्रा समाप्त थी और शिवराज सिंह का निवास का घेराव का कार्यक्रम था। आप सबको बता दूं 15 दिन की यह पदयात्रा बड़े गहरे संकटों से होते हुए और उत्साह के साथ भी होते हुए गुजरी थी। इसमें इस यात्रा को विफल करने का शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी प्रयास किया, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो चाहे उनके कार्यकर्ता की दृष्टिकोण से हो, लेकिन हमें जिस प्रकार से अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ था उस पर उनकी सारी नाकामियों को उनके सारे प्रयासों को विफल कर दिया गया। और हम जब शिवराज सिंह का घेराव करने पहुंचे तो हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई, हमको जेल पर डाला गया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह आप चाहे जेल में डालें, चाहे गोली चलाएं, चाहे लाठी डंडे चलाएं, हम जनता के अधिकार की लड़ाई के लिए लगातार कल भी संघर्षरत हैं, आज भी संघर्षरत हैं और आगे भी रहेंगे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।